Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना के जीवन से जुड़ी बातें जो आप जानना चाहेंगे। कैटरीना कैफ ब्रिटिश भारतीय मूल की मॉडल और अभिनेत्री है जो वर्तमान समय में बॉलीवुड में सक्रिय है। कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में 16 जुलाई 1984 को हुआ था। उनकी माता का नाम सुजैन तुरकोट्टे जो पेशे से एक वकील और समाज सेविका है। उनके पिता एक ब्रिटेनी कारोबारी है जिनका नाम मोहम्मद कैफ है। उनके पिता कश्मीर से हैं। कैटरीना कैफ की तीन बड़ी बहनें स्टेफनी, क्रिस्टिन और नताशा और एक बड़ा भाई माइकल और तीन छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और इजाबेल है। कैटरीना के माता पिता का तलाक जब वो छोटी थी तभी हो गया था। कैटरीना और उनके भाई बहनों को उनकी मां ने ही पाल पोसकर बड़ा किया है। कैटरीना कैफ की मां समाज सेविका होने के कारण उन्हें सामाजिक कल्याण के कार्यों से देश विदेश जाना पड़ता था, जिसके कारण कैटरीना कैफ की पढ़ाई ट्यूशन टीचर्स के द्वारा ही हुई। कैटरीना कैफ का परिवार कुछ दिन चीन में रहता तो कुछ दिन जापान में। जब वो 8 साल की थी तो वो फ्रांस में थी और इस तरह से कुछ कुछ महीनों के अंतराल में वो कभी स्विट्जरलैंड, कभी पोलैंड, कभी बेल्जियम तो कभी यूरोप के देशों में रहे। इन देशों के बाद आखिर में इंग्लैंड, जो कि उनकी माँ का होम टाउन था, वहाँ 3 साल रहे। वहाँ 3 साल रहने के बाद वो भारत आ गई। यहाँ आकर के उन्होंने अपना नाम कैटरीना तुरकोट्टे से बदलकर कैटरीना कैफ अपने पिता के नाम पर रख दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि कैटरीना को लगता था कि उनका नाम लेने में भारतीयों को आसान नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर कैटरीना कैफ रख लिया। फिलहाल वो भारत में वर्किंग वीजा पर रहती है। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। इसके बाद 2003 में कैटरीना फिल्म बूम में नजर आई, हालांकि ये एक फ्लॉप फिल्म थी। बॉलीवुड में कैटरीना को पहचान उनकी हिट फिल्म मैंने प्यार क्यों किया और नमस्ते लंदन ने दिलाई। उस फिल्म में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में एक्टिंग की, जैसे कि पार्टनर, वेलकम, सिंह इज किंग। 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद कैटरीना कैफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि राजनीति, मेरे ब्रदर की दुल्हन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर। भारतीय फिल्मों में आमिर खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म धूम 3 में भी एक्टिंग की। अभी हाल ही में आई उनकी फिल्म भारत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है और उस फिल्म में भी कैटरीना के एक्टिंग की काफी सराहना हुई थी। कैटरीना कैफ एक्टिंग के अलावा कई स्टेज शो और अवार्ड फंक्शन में भी हिस्सा लेती रहती है। अभी ही मिली जानकारी के अनुसार कैटरीना कई कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर है। उनके पास अभी डजन से भी ज्यादा ब्रांड एजेंसीज है। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कैटरीना हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। उनकी मॉडलिंग की शुरुआत एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने से हुई। हवाई में आयोजित एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को उन्होंने 14 साल की उम्र में जीता, जिसके बाद उनको मॉडल के तौर पर पहचान मिली और फ्रीलांस एजेंसी से जुड़कर मॉडल के तौर पर काम करने लगी। लंदन फैशन वीक में भी हिस्सा लिया। कैटरीना कैफ हमेशा किसी न किसी वजह से मीडिया में खबरों में छाई रहती है। कभी अफेयर को लेकर तो कभी ब्रेकअप की खबरों से घिरी रहती है। सलमान खान से उनके रिलेशनशिप की बातें अक्सर सुर्खियों में रहती थी, जिसे कैट ने स्वीकार भी किया था। लेकिन फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में रणबीर कपूर से नजदीकियां बनने के कारण उनका सलमान खान से ब्रेकअप हो गया। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर काफी सालों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में उनका भी ब्रेकअप हो गया। अभी हाल ही में आई फिल्म भारत से उनकी और सलमान खान की बढ़ती नजदीकियां देखी जा सकती है। कैटरीना कैफ ने अपने फिल्मी सफर में बहुत से पुरस्कार अपने नाम भी किए हैं। उनकी बॉलीवुड जर्नी काफी काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।